उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की हरकतों की वजह से कोई उन्हें सनकी कहता है तो कोई तानाशाह, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग के बारे में क्या सोचते हैं ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किम जोंग पागल नजर आते हैं। ये बात उन्होंने किसी मजाकिया लहजे में नहीं बल्कि दूसरे देश से बातचीत में कही। ट्रंप ने फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते से फोन पर बातचीत के दौरान किम जोंग उन को परमाणु हथियारों के लिए पागल आदमी करार दिया। फिलीपींस से लीक हुई ट्रांसक्रिप्ट में इसका जिक्र है। द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार 29 अप्रैल को हुई बातचीत में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर अपनी नजर बनाए रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम परमाणु हथियारों के लिए पागल व्यक्ति को ऐसे ही ढील देकर नहीं छोड़ सकते। हमारे पास उनके मुकाबले 20 गुना ज्यादा शक्ति है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ट्रंप ने फिर दुतेर्ते से इस बारे में पूछा कि क्या उनका मानना है कि किम की मानसिक स्थिति स्थिर है या नहीं। इस पर फिलीपीन नेता ने जवाब दिया कि उनके उत्तर कोरियाई समकक्ष का दिमाग काम नहीं कर रहा है और वह किसी भी क्षण जुनूनी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि किम के हाथों में खतरनाक खिलौना है जो सभी मनुष्यों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। उत्तर कोरिया से पैदा हो रहे परमाणु खतरे से निपटने के लिए चीन की क्षमता पर बात करते हुए ट्रंप ने दुतेर्ते पर दबाव बनाया कि वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर दबाव डाले। वहीं एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इस ट्रांसक्रिप्ट के प्रमाणित होने की पुष्टि नहीं करता है। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के शासक को पागल बताया है, हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है। देखते रहिए डीबी लाइव।